हेलो एवरीवन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को और डेप्थ में देखेंगे और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए मैथमेटिकली हम यहाँ पे ये सीखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन डिनोट करता है 3n+2, और मान लेते हैं कि ये हमारा टाइम फंक्शन है। इसका मतलब है कि मैंने एक एल्गोरिथम लिखा और उसमें टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो है 3n+2। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के फॉर्म में। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म में मान लीजिए कि हमें बेगो नोटेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें से हम एक जी एन निकाल लेते हैं। जी एन का मतलब क्या है कि डोमिनेटिंग फैक्टर एक निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कहा कि जी एन इज इक्वल्स टू एन। जैसे जैसे एन ग्रो करेगा वैसे वैसे फंक्शन ग्रो करेगा, इसीलिए हमने जी एन को सेलेक्ट कर लिया है, दैट इज एन। अगर हम ये कहें कि एक कांस्टेंट वैल्यू सी सेलेक्ट कर लें और उसको जी एन से मल्टीप्लाई कर दें, और इस कांस्टेंट वैल्यू सी के बाद जो जी एन मल्टीप्लाइड है इसमें, इसकी ग्रोथ अगर एफ एन की ग्रोथ से कम है, एफ एन की ग्रोथ से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तो उस केस में हम कहेंगे कि हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी एन। थोड़ा सा और इसको देखते हैं। मान लीजिए कि हमने प्लॉट ड्रॉ किया और ये हम प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं एफ एन का। तो एफ एन का जो ये प्लॉट है, ऐसा हम मान लेते हैं कि दिस इज द प्लॉट ऑफ एफ एन। ये एफ एन ऐसे ग्रो कर रहा है, और फिर हमने क्या किया कि एक सी जी एन ले लिया है और सी जी एन जो है उसकी ग्रोथ को हम प्लॉट करते हैं। सो लेट्स से दिस इज द प्लॉट ऑफ सी जी एन। तो प्लॉट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एन ग्रो कर रहा है और जब वैसे वैसे जो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ग्रो कर रही है। ये जो सी जी एन की ग्रोथ है वो एफ एन की ग्रोथ से ऊपर है। तो अगर सी जी एन की ग्रोथ एफ एन की ग्रोथ से ऊपर है तो हम कहेंगे कि हम बिगो नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। बट एक चीज और देखने की है कि जो एफ एन की ग्रोथ है, एफ एन की ग्रोथ पहले सी जी एन की ग्रोथ से ऊपर थी और एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद सी जी एन की ग्रोथ एफ एन से ऊपर हो गई। तो ये जो पॉइंट है उसको हम लेट से कहते हैं एन जीरो, और डेफिनेशन ये कहता है कि अगर हमारा सी जी एन की जो ग्रोथ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एफ एन की ग्रोथ फॉर द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी जीरो एंड एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन जीरो। तो हमें ये एन जीरो पॉइंट भी निकालना पड़ेगा जिसके बाद ही हम कह पाएंगे कि ये सी जी एन की जो ग्रोथ है वो एफ एन से ज्यादा है। और चूंकि ऐसा है इसलिए हम फंक्शन एफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी को या फंक्शन एफ एन को बिग ओ ऑफ जी एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें इसका। मान लीजिए कि हमने एक एफ एन कहा और एफ एन इज इक्वल्स टू 3n+2, और मान लीजिए कि हमने एक जी एन सेलेक्ट किया, जी एन इज इक्वल्स टू एन जो कि डोमिनेटिंग फैक्टर या जो राइजिंग वैल्यू है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मान लीजिए कि सी की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली है 3। तो आप देखेंगे कि अगर आपने सी की वैल्यू 3 सेलेक्ट की है तो उस केस में जो जी एन की वैल्यू हो जाएगी, सी जी एन की वैल्यू हो जाएगी 3 × n, और हमेशा सी जी एन की जो ग्रोथ है उससे 2 ज्यादा रहेगा ग्रोथ एफ एन का। तो अगर 2 ज्यादा रहेगा तो एफ एन हमारा ऊपर की तरफ ग्राफ रहेगा और जो सी जी एन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक सी की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिससे कि एफ एन की ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ हमारा जी एन का हो। तो हमने सी की वैल्यू लेट से 4 सेलेक्ट कर लिया, तो सी जी एन की जो हमारी वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल्स टू 4n। अब मान लीजिए कि एन की वैल्यू 1 के लिए आप सी जी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो दैट विल कम आउट टू 4। ये मेरी सी जी एन की ग्रोथ है, और एफ एन की जो ग्रोथ है या एफ एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 × 1+2, मतलब ये 5 होगी। मान लीजिए कि आपने एन की 2 वैल्यू सेलेक्ट किया तो सी जी एन की वैल्यू हो जाएगी 8, और एफ एन की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3 × 2+2। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 8। तो एन की वैल्यू 2 के लिए एफ एन और जी एन इक्वल है, और अब एन की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो उस केस में सी जी एन की वैल्यू हो जाएगी 12 और एफ एन की वैल्यू हो जाएगी 3 × एन की वैल्यू 3 है, 3 × 3 9+2 मतलब 11। और जैसे जैसे आप नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करते चलेंगे
ये वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12 + 1 = 13। तो आप देखेंगे कि गैप इनके बीच में बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो पहले वैल्यू कम आ रही थी, अब सी जी एन की वैल्यू बड़ी होती गई और हमेशा बड़ी होती चलेगी एन की किसी भी वैल्यू के लिए। तो एन की वैल्यू 2 एक हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यही मेरा एन जीरो है, और सी और एन जीरो दोनों हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो एफ एन है, वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है बिग ओ ऑफ जी एन, मतलब कि बिग ओ ऑफ एन के फॉर्म। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिग ओ एन, और हमने एक एग्जांपल से भी देख लिया कि बिग ओ नोटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम अब ओमेगा नोटेशन डिस्कस कर रहे हैं। सो ओमेगा नोटेशन कैसे, ओमेगा नोटेशन कैसे वर्क करेगा? मान लेते हैं वंस अगेन एक प्लॉट हमने ड्रॉ किया, और ये जो हमने प्लॉट ड्रॉ किया है वो एफ एन का प्लॉट है, और इसके बाद फिर हमने एक जी एन का प्लॉट बना लिया। और ये जो तो जी एन का प्लॉट है, अगर वो जी एन का जो प्लॉट है वो हमेशा एफ एन के प्लॉट से नीचे रहता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है ओमेगा नोटेशन के फॉर्म में। ये एन की वैल्यू है और ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी है। आप चेक कर सकते हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है, थ्रेशोल्ड पॉइंट, जिस पे हम ये चेक कर रहे हैं कि जो जी एन की वैल्यू है, जिसके बियॉन्ड, मतलब जिसके आगे आप देखिएगा कि जी एन का जो ग्रोथ है वो हमेशा एफ एन से नीचे है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सी जी एन का जो ग्रोथ है दैट इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन, एंड ऑब्वियसली ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए हमने 0 < LC GN > FN, अगर हमारा ऐसा है फॉर सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एंड एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन जीरो, तो हम कहेंगे कि एफ एन को हम ओमेगा एन नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपके पास एफ एन की वैल्यू 3n + 1 है और आपने इसमें सी की वैल्यू को 1 सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने सी की वैल्यू को 1 सेलेक्ट किया है, तो अब हम एन की वैल्यू 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। एफ एन और सी जी एन, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एफ एन ले लिया और यहाँ हमने सी जी एन ले लिया। तो एन की वैल्यू 1 के लिए एफ एन की वैल्यू होगी 3 × 1 + 1 = 4, और सी जी एन की वैल्यू हमारी होगी 1। एन की वैल्यू 2 के लिए एफ एन की जो वैल्यू हमारी है वो होगी 3 × 2 + 1, मतलब कि 7, और जो सी जी एन की हमारी वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 × 2 = 1, मतलब कि 2। सो आप देख सकते हैं एन की वैल्यू 3 के लिए ये वैल्यू 10 हो गई और ये वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एन की ग्रोथ हमेशा सी जी एन की ग्रोथ से ज्यादा है, या आप ये कह सकते हैं कि सी जी एन की जो ग्रोथ आपकी है वो एफ एन की ग्रोथ से ज्यादा है, सी जी एन की ग्रोथ एफ एन की ग्रोथ से कम है, इसीलिए आप कॉम्प्लेक्सिटी को ओमेगा नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस केस में आप कहेंगे कि एन जीरो की वैल्यू इसमें 1 है। फाइन, तो ये जो फंक्शन है इसको हमने ये कहा कि एफ एन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिग सॉरी ओमेगा जी एन, लेट मी करेक्ट द नोटेशन, एंड यहाँ पे जी एन की वैल्यू एन है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई ओमेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए काम और करते हैं कि थीटा नोटेशन को भी हम डिस्कस करते हैं। तो थीटा नोटेशन का क्या मीनिंग है कि अगर हमने ये कहा कि हमारे पास एक प्लॉट हमने ड्रॉ किया है एफ एन का, और एफ एन का प्लॉट लेट से ऐसा है, और उसके बाद हमने एक सी वन जी एन का और सी टू जी एन का एक प्लॉट ड्रॉ किया, एंड लेट्स से सी वन जी एन का प्लॉट हमारा ये है और लेट्स से सी टू जी एन का प्लॉट हमारा ये है। तो हमने ये देखा कि जो एफ एन है दैट इज सैंडविच बिटवीन सी वन जी एन एंड सी टू जी एन। तो अगर ऐसा केस है तो हम कॉम्प्लेक्सिटी को थीटा नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, अगर सी वन जी एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू सी टू जी एन, इसका मतलब है कि सी वन जी एन की ग्रोथ एफ एन से कम है और सी टू जी एन की ग्रोथ एफ एन से ज्यादा है। इस केस में हम कह सकते हैं कि एफ एन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा नोटेशन के फॉर्म में, लाइक थीटा एन। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे सम कौन सम सी वन सी टू एन एन जीरो, सी वन सी टू हमारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं एंड
फॉर एन जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन जीरो। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जिसके बाद ये हमेशा ट्रू है। सो हमने ये देखा कि ये जो प्लॉट हमने ड्रॉ किया है उसमें ये एन है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सेस हमारा, और एन की बढ़ती हुई वैल्यू के लिए हमेशा सी वन जी एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू सी टू जी एन। इसलिए हम कहेंगे कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी को थीटा ऑफ जी एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, थीटा ऑफ एन नहीं बल्कि थीटा ऑफ जी एन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। तो मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमने ले लिया कि भाई 3n+1 हमारा फंक्शन है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम सी की वैल्यू को 1 सेलेक्ट कर लें तो सी जी एन की जो ग्रोथ है वो एफ एन से कम होती है। हमने जी एन किसको सेलेक्ट किया, डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब एन को। और इसी तरह से अगर हम सी टू की वैल्यू को 4 सेलेक्ट कर लें तो 4n की जो वैल्यू होगी या 4n की जो ग्रोथ होगी वो हमेशा 3n+1 की ग्रोथ से ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि C1GN इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन और दैट इज लेस देन और इक्वल टू C2GN। इसलिए एफ एन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा ऑफ एन के फॉर्म। तो वी हैव एस्टेब्लिश्ड एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। आई होप किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं विद दी एग्जाम्पल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल अगेन मीट विद सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी।